अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों को MIUI 8 के बीटा रोम में 6.11.3 के बारे में बतलाना चाहूंगा। यह दोस्तों वीकली रोम है, बीटा रोम है 6.11.3 जो कि 3 नवंबर को अपडेट हुई थी। और आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या आखिर नए फीचर्स आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर नया फीचर आया है तो वो है म्यूजिक ऐप में, जो कि म्यूजिक ऐप को पूरा ही डिजाइन कर दिया गया है बिल्कुल नए तरीके से। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहला पेज जो म्यूजिक ऐप का है वो तो बिल्कुल सिंपल लगेगा जैसा पहले था, लेकिन जैसे ही आप अगर कोई म्यूजिक प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो म्यूजिक प्ले होने के बाद जो इसमें आपको शो करेगी वो कुछ अलग दिखेगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले बीच में यह एल्बम आर्ट देता था, अब पूरा स्क्रीन पे टॉप में आधे स्क्रीन से ऊपर में एल्बम आर्ट यह शो कर रहा है, और नीचे में आपको शो करता है, नीचे में आपका नाम शो करता है, उसके बाद आर्टिस्ट, और उसके नीचे आपको एक लिरिक्स भी लिखता है। अगर आपका उस सॉन्ग्स का लिरिक्स अवेलेबल है तो एक लाइन में वो लिरिक्स भी लिखता है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे फेवरेट में ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद सबसे नीचे आपका आ गया है यह शफल का बटन, और यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस सॉन्ग का बटन, यहाँ पे प्ले का बटन, और यहाँ पे नेक्स्ट सॉन्ग का बटन आ गया है। जो यहाँ पे यह स्लाइडर यहाँ पे होती थी वो यहाँ पे चली गई है, और यहाँ पे दोस्तों यह खाली है। लेकिन अगर आप चाइना डेवलपर रोम यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिखाई देगा। अगर आपका सॉन्ग ऑनलाइन प्ले कर रहे हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्लोबल रोम में डाउनलोडिंग का अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे रिपीट का बटन ऐड किया जा सकता है, जिससे हम एक ही सॉन्ग को बार बार रिपीट करें या पूरे एक एल्बम को बार बार रिपीट करें तो ये इससे अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एकदम खाली है, जिसके कारण थोड़ा सा ये UI में फॉल्ट लग रहा है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप इसे लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो वही आपको लिरिक्स मिलते हैं, और अगर इसे आप राइट स्वाइप करेंगे तो आपको पूरे सॉन्ग्स का लिस्ट मिलते हैं जो जो आपने सेलेक्ट किया है प्ले करने के लिए। और दोस्तों, टॉप में आपको यह बटन मिलता है, वो बटन पे क्लिक करते ही आपको अलग अलग मिलेंगे, जैसे डिलीट करना है या स्लिप टाइमर सेट करना है या रिंगटोन पे सेट करना है या सॉन्ग का इन्फो चेंज करना है या इस सॉन्ग को सेंड करना है या प्लेलिस्ट में ऐड करना है या हेडफोन का सेटिंग करना है। तो ये सब दोस्तों ऑप्शंस मिलते हैं। दोस्तों UI की बात करें तो म्यूजिक ऐप का यह UI काफी अच्छा है। इस UI को आप दिखाया गया था MIUI 8 के लॉन्च इवेंट में दिखाया गया था, और उसके बाद से अभी तक ये UI आई नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो अपडेट है 6.11.3, इसमें यह UI फाइनली दे दी गई है, और ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में, काफी बेहतरीन UI है। अब दोस्तों, और भी अच्छा क्या है इस 6.11.3 अपडेट में, तो मैं बता दूं कि अगर आप सिक्योरिटी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वायरस स्कैन में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जिसका नाम है स्कैन बिफोर इंस्टॉलिंग। ये ऑप्शन दोस्तों पहले भी थी, लेकिन इस बार इसमें चेंजेस यह हुई है कि पहले सिर्फ यह प्ले स्टोर से डाउनलोड होने वाले ऐप को स्कैन कर दी थी। अब दोस्तों, आप कोई भी ऐप कहीं से भी डाउनलोड करें, कहीं भी अननोन सोर्सेस से डाउनलोड करें, तो ये वायरस स्कैन वाली स्कैन करेगी उस ऐप को, ताकि आपका फोन में वायरस ना घुसे, जिससे आपका फोन और भी सेफ रहेगा। दोस्तों, वायरस स्कैन का जो UI भी है वो भी चेंज किया गया है, और सिक्योरिटी के मेजर से यह सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब हम लोग किसी भी ऐप को स्कैन कर सकते हैं वायरस के लिए। और भी अपडेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस अपडेट में और आई है कि MIUI फोरम का अगर आप ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि लास्ट में एक फीडबैक का आपको टैब मिलता है यहाँ पे, और इस फीडबैक के टैब में आपको ढेर सारे मिलेंगे जिसमें आप फीडबैक दे सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई इशू है, जैसे अगर आप चाहते हैं कैमरा में कोई इशू है तो कैमरा पे क्लिक करें, और अगर आप MIUI अकाउंट से साइन इन रहेंगे तो यहाँ पे कैमरा के बारे में फीडबैक लिख के दे सकते हैं, और MIUI तक यह फीडबैक पहुंच जाएगी, जिससे वो लोग इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं, और इसमें किसी भी ऐप का यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं जो MIUI का अपना ऐप है। उसके बाद दोस्तों, आप MIUI पिक की बात करें तो इसमें भी एक नया चीज़ आया है, जिसमें आप अलग अलग कैटेगरी देख सकते हैं। जैसे अगर आप कलेक्शन में जाएंगे तो आपको पहले अभी दो कैटेगरी मिलते हैं, पहला मस्ट हैव कैटेगरी। मस्ट हैव कैटेगरी में आपको कुछ ऐप्स मिलते हैं जो कि ज़रूर होने चाहिए, और उसे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। और उसके बाद मिलता है प्राउड ऑफ इंडिया का कैटेगरी, ये एक नया कैटेगरी है दोस्तों, जिसमें MIUI यह शो कर रही है जो जो ऐप मेड इन इंडिया है, बस उसे शो करिए, जैसे फ्लिपकार्ट, ओला कैब्स, पेटीएम, शाउट, हाइक मैसेंजर, जोमेटो, तो ये सब सारे ऐप्स जो है दोस्तों एक ही कैटेगरी के अंदर आ गए, और इससे MIUI पिक डायरेक्टली शो कर रहा है कि ये सब जो ऐप्स है वो मेड इन इंडिया बनाई गई है, इंडिया ही में बनाई गई है।
उसी तरह से इसके ऐप्स और भी बढ़ाए जाएंगे धीरे धीरे, और भी कैटेगरीज बढ़ाई जाएगी धीरे धीरे। और एम आई पिक्स बहुत ही अच्छा ऐप है, इससे आपको ऐप्स ढूंढने में काफ़ी आसानी मिल सकती है। बस मुझे आशा है कि एक सर्च का बटन भी इसमें ऐड कर दिया जाए ताकि हम अपने मूड के मुताबिक भी सर्च कर सकें। तो दोस्तों और कुछ ज़्यादा है नहीं इस एम आई वाई 8 के 6.11.3 अपडेट में। कुछ परफॉर्मेंस इशूज सॉल्व हुए हैं, कुछ लैग्स हटे हैं, लेकिन अभी भी इसे परफेक्ट होने में काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि यह एम आई वाई 8 का रोम है, बीटा रोम है, और बीटा रोम में कुछ कुछ बग्स तो होंगे ही। तो दोस्तों अगर आप कोई बग फेस कर रहे हैं तो उसे कमेंट करें। और दोस्तों मैं हूं शाहरुख, हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पर लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।